अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चिकन हांडी, मलाई हांडी या इसको मखनी हांडी भी आप कह सकते हैं, बोनलेस आज हम बनाना सीखेंगे, जो बच्चों के लिए एक इंतहाई मज़ेदार डिश है, क्योंकि इसमें जो मिर्ची का तनासब है चिली का वो बहुत कम होता है, और अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो इसमें आप चिली थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जिसमें सबसे पहले रेड क्रश चिली है 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है इसमें धनिया है, खुश्क गर्म मसाला है, नमक है और काली मिर्च है, ब्लैक पेपर। तो हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, ऑयल में थोड़ा सा लहसुन डाल के आपने इसको अच्छे से सोते कर लेना है, यानी ये वाइट ब्राउन होना चाहिए, यानी ये बहुत ज़्यादा लोग इसको ब्राउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हांडी का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। तो इसकी एक वजह ये भी है, इसको हल्का सा आपने लाइट ब्राउन करना है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। और साथ ही हमने जो टमाटो प्यूरी, यानी टमाटो का जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है, उसकी हम तो हमारे पास आधा किलो अगर चिकन बोनलेस है तो आधा किलो हम इसमें टमाटर ले लेंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी इसमें बनेगी। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारा जो टमाटर है भुन चुके हैं, और इसमें जो ये चिकन था इसको सिरका लगा के हमने धो लिया है। एक तो इसकी स्मेल चली जाती है, और ये दूसरा सॉफ्ट हो जाती है अंदर से। तो ये एक अच्छा इसका ट्रिक है, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बीच में मिस्टेक हो जाती हैं। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये तकरीबन 10 मिनट तक हम चिकन को भून लेंगे, और जब ये ऑयल छोड़ देगा तो इसमें हमने दही ऐड कर देना है। अगर आप थोड़ा सा इसको फिल्टर कर दें तब भी ठीक है, अगर ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन तो इसकी जो गुटलियाँ वगैरह हैं वो इसमें नहीं बनेंगी। तो इस तरीके से हमने उसको दोबारा से भून लेना है 3 से 4 मिनट, ताकि ये इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने एंड पे ऐड करना है जिसको हम कहते हैं मलाई हांडी, चिकन हांडी या जो भी क्रीम का जो हम टच देते हैं। तो ये देखें, हमारी जो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में दही भी हमारा साथ भून चुका है, और देखें इसका कलर कितना प्यारा है। और लास्ट में हमने ये जो क्रीम है, वैसे घर की जो क्रीम है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हलीब जो बाहर से मिलती है या नेस्ले क्रीम आप वो भी लें कि इसमें एक पैकेट ऐड कर दें। आपने जितना इसमें ऐड करना है, जितनी इसमें वाइटनेस लानी है, आप उतनी क्रीम ऐड करें। तो होप्स हो आपको हमारी ये जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी तरह की रेसिपी लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो, नई अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।